तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दुनिया की सबसे गर्म जगह डेथ वैली, ये है कैलिफोर्निया यूएसए में। और यहाँ पे ना बहुत सारे रहस्य हैं, उसमें से एक रहस्य है कि यहाँ पे जो पत्थर है ना वो अपने आप चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ डेथ वैली, और जो डेथ वैली है ना ये है कैलिफोर्निया में। और ये माना जाता है कि यहाँ पे दुनिया का जो सबसे गर्म जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पे एक बार नापा गया था। और कुछ लोगों का कहना है कि डेथ वैली में ना एलियंस हैं, जो कि ना बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर, उनको वो हिलाते हैं। और कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि वो पत्थर हिलते हैं हवा से, तो वो वहीं चल के अभी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से अभी हमें चलाना है कुछ 1.5 घंटे के करीब नॉन स्टॉप, और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे डेथ वैली में। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं डेथ वैली जा रहा हूँ। आज से 3 साल पहले मैं वहाँ पे गया था, बट मैंने ना पूरा कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ मैं 2 या 3 जगह पे गया था। डेथ वैली का जो नेशनल पार्क है ना ये बहुत ही बड़ा है, मतलब कम से कम आपको 2 दिन चाहिए अगर आप लोग वहाँ पे सब कुछ देखना चाहते हैं। और अंदर शायद है ना कोई रुकने के लिए एक होटल भी है, बट वैसे ना नाइट अलाउड नहीं करते हैं वो, इस तरीके की कैंपिंग करना जैसे हम लोग करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग कैंपिंग तो हम लोग बाहर ही आके करेंगे। तो भाई अभी हम लोग बॉर्डर आ गए हैं कैलिफोर्निया और नवाडा के बॉर्डर पे, क्योंकि जो डेथ वैली है जैसा मैंने बताया वो है कैलिफोर्निया में, तो यहाँ से हमें एंटर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बॉर्डर पे ना एक छोटा सा गांव बनाया हुआ है, और गांव के बाहर जितनी भी दुकानें ना सारी अबेंडेंट है। तो ये वाली भी शॉप देखो, ये पेट्रोल पंप बिल्कुल अबेंडेंट हो रखा है, बंद करके गए हुए हैं देख लो। ये ऐसी यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो इसी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं बिल्कुल। अभी देख लो डेथ वैली वाले रास्ते पे ही आए हैं, तो ये बवंडर ही दिख गया हमें। अभी ये छोटा सा बवंडर है, धीरे धीरे करके काफी बड़ा होता जाएगा। हम उसको तोड़ सकते हैं, उसके अंदर गाड़ी डाल देते हैं। हाँ तो गाड़ी उठा ले जाएगा और तेज होता जाएगा, जितना भी उसके बीच में आता जाएगा वो ये बढ़ता ही जाएगा। ये तो ये हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे है डेथ वैली का साइन, तो यहाँ से स्टार्ट होती है डेथ वैली। तो जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा था ना वो तो सिर्फ वहाँ पे डेथ वैली लिखा हुआ था, बट ये यहाँ पे आ गया है मेन, जहाँ पे हमें पैसे देने हैं एंट्री फीस। 2 जगह पे है यहाँ पे एंट्री फीस, एक तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो जहाँ पे ये इन्होंने भूत सा बनाया हुआ है, और दूसरा आगे भी है, बंदे बैठे हुए होते हैं वहां पे भी दे सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे उतर गए हैं, और ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना ये डेथ वैली का नेशनल पार्क है। यहीं से ही है ना थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा दिखना चालू हो जाएगा। अजीब का रीजन ये है कि यहाँ पे जो पहाड़ है ना कोई वहाँ पे ग्रीन सा दिख रहा है, अभी इसमें तो कैमरे में इतना जस्टिफाई कर नहीं पा रहा है, बट अगर आप लोग आओगे ना कोई ग्रीन दिख रहा है, कोई ब्राउन सा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, ऐसे अजीब अजीब से कलर है। उस तरफ में ऑरेंज भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, तो देखो वो वहां पे भी कुछ अलग कलर है माउंटेन का। इसी तरीके से चारों तरफ ना माउंटेन के कलर अलग अलग हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी फीस है। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना चार्जेस है। तो यहाँ पे इस तरीके की मशीनें लगाई हुई हैं, सेल्फ मशीन है, आप खुद ले सकते हो। तो यहाँ पे देख लो वेलकम टू जंक्शन, तो यहाँ पे है $30 की एंट्री है, 7 दिन तक वैलिड रहेगा आपका पास $30 में। और अगर आप लोग बाइक लेके आ रहे हो ना तो वो भी दिखा देता हूँ, मोटरसाइकिल की है $25। और इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से आप टिकट लेके और अपने उधर सामने गाड़ी पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे है ना चेकिंग चलती रहती है, आपकी गाड़ी पे आके देखते रहेंगे, जिसकी गाड़ी पे नहीं रखा है तो उसको फाइन दे देते हैं ये। यहाँ पे ना ड्रोन नहीं उड़ा सकते, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं किया हुआ इन्होंने। और यहाँ पे ना डेथ वैली के बारे में लिखा हुआ है, तो इन्होंने अभी बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पर हैं, और ये जो आप मैप देख रहे हो पूरा डेथ वैली का है। तो बहुत सारे एरिया हैं यहाँ पे देखने को, बट हम लोग मेन है ना यहाँ पे 2 से 3 एरिया देखने के लिए जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने नहीं देखे हैं। और यहाँ पे ना गोस्ट टाउन भी है एक, तो देखेंगे कि अगर हम लोग ये गोस्ट टाउन को कवर कर सके तो। तो अब निकलते हैं यहाँ से, हम लोग आगे की तरफ ड्राइव करेंगे, यहाँ से हम लोग आ रहे थे अभी चलाते हुए। और अभी है ना अमेरिका में चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल, और यहाँ पे ना एक परफ्यूम है जो मैं यूज करता हूँ, जो कि ब्लैक फ्राइडे सेल पे मैं काफी सारे खरीदने वाला हूँ। ये है वुडी सैंडलवुड, ये है डोसी एयर कंपनी का,
और ये आपको वॉलमार्ट में मिल जाएगा अगर आप लोग अमेरिका कनाडा में रहते हो ना, तो ये ट्राई करना। परफ्यूम है ना, इसकी खुशबू मेरे को बहुत ज्यादा सही लगती है। मतलब अगर मैं एक बार लगा लेता हूँ ना, तो कम से कम 3-4 दिन इसकी खुशबू है ना बॉडी से जाती नहीं है। ये है डोसियर कंपनी का, तो अगर आप लोगों को लेना है तो ये वॉलमार्ट से आप लोग खरीद सकते हो। अभी हम लोग पिछले 15 मिनट से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल है ना, ऐसा एरिया है कि वो पत्थर ही पत्थर हैं, बट ये यहाँ पे देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। और यही एक एरिया है जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे एक तो है विजिटर सेंटर और दूसरा है यहाँ पे इन्होंने रिजोर्ट टाइप में बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को रुकना है यहाँ पे डेथ वैली का, रात का आप लोगों को नजारा लेना है, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो अभी मैंने पढ़ा है यहाँ पे ना कैंप ग्राउंड भी है जो कि यहाँ से जा रहा है, बट कैंप ग्राउंड के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्री में आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपना डीजल वगैरह ना फुल करके लाए थे, और यहाँ पर भी आप लोगों को डीजल मिल जाएगा, पेट्रोल भी मिल जाएगा। भाई प्राइस देखो, वहाँ $4 कुछ था, यहाँ पे है $8.73, और पेट्रोल का प्राइस देखो $8.20। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुंचे हैं विजिटर सेंटर पे, तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि वो कहाँ पर है जहाँ पे रोक है ना स्लाइड करते हैं। और यहाँ पे ना टेम्परेचर लिखा हुआ है, आज का जो टेम्परेचर है ना 32 है, इतना बुरा नहीं है, बट यही अगर आप लोग आते हो ना यहाँ पे जुलाई के टाइम में, तो ये 50 से ऊपर रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। यहाँ पे ना स्पेशली बोला जाता है कि 4 लीटर आप लोग को पानी पीना ही पीना है, और अगर आप लोग वॉक वगैरह कर रहे हैं ना, तो पानी की बोतल ना हाथ में आपके होनी चाहिए। This one is called the racetrack. Racetrack. Why it's called racetrack? Because it's like these rocks are racing around the lake. Oh, so they are sliding. Sliding. Oh. Sliding ever so slowly, year after year. Yeah. And they're straight lines, and then they'll make a turn. तो अभी ना हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं सैंड डून्स पे, और वहाँ से ना मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो पत्थर वाली इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है कि पत्थर किस तरीके से चलते हैं, जो कि यहाँ के लोगों का मानना है। और कुछ लोगों का मानना है जो पत्थर वो सरकते हैं ना, वो एलियन आते हैं, एलियन सरकाते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं, हजारों टन के हैं, वो कैसे अपने आप हवा से चल सकते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना है। तो टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का, और मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जब हम लोग वहां से ड्राइव कर रहे थे तो कोई नहीं दिख रहा था, यहाँ तो देखो कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और यहाँ देख लो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इन्होंने गाड़ियों के लिए भी ना स्पेशल इस तरीके से शेड बनाई हुई है। ये उसी की होगी जो ये एम्प्लॉई यहाँ पे काम कर रहे हैं। आ गई हमारी पहली लोकेशन सैंड डून, और देख लो यार पहाड़ों के बीच में ना इस तरीके का एरिया आ गया। ये बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे तो अभी मैं दुबई में चला गया हूँ, और यहाँ पे डॉग ले जाना अलाउड नहीं है, स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, और ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हो, ना ही कैंपिंग के ना इन्होंने स्पेशल एरिया बनाए हुए हैं जहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे ये पार्किंग लॉट बनाया हुआ है तो यहीं पर ही कैंपिंग कर लो। तो हम लोग अभी यहाँ से ना पूरा आगे की तरफ जाने वाले हैं। मैंने देखा लोग ना पूरा उधर तक ऊपर तक चढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है वहां तक तो जाने में 1 घंटा लग जाएगा, बट जितना हम लोग जा सकते हैं वो आगे तक आप लोग को चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे है ना वैसे तो आप लोग को बहुत कम जानवर देखने को मिलेंगे, बट सबसे ज्यादा जो जानवर देखने को मिलेगा वो है स्नेक, और ये है रेडल स्नेक, और ये भाई बहुत ही तेज चलते हैं और आवाज करते हैं ऐसे छन 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 छन। तो यहाँ पे बस ये है कि स्नेक्स को देखना पड़ेगा। और आज है ना गर्मी भी बहुत ज्यादा है, सर्दियों के टाइम पे तो सांप वगैरह अंदर चले जाते हैं अपने बिलों में, बट गर्मी होते ही वो बाहर आ जाते हैं खाना ढूंढने के लिए, और आज है ना अभी गर्मी हो गई। अरे भाई रेत इतना गर्म है, चप्पल जला दी। एक्चुअली ये जो एरिया है ना ये मेरे को पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे तो अभी मैं दुबई में आ गया हूँ। दुबई में इसी तरीके से है ना आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दुबई में जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है ना वो तो बहुत छोटे एरिया में है, जैसे ही वहां से ड्राइव करके बाहर निकलोगे ना तो सारा एरिया इसी तरीके से बना हुआ है वहां पर। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे तो मैं सीधा दुबई में आ गया हूँ। और ये जो रेत है ना बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ से हम लोग आए थे अपनी दूसरी लोकेशन के लिए जो कि फिलहाल अभी बंद है।
हम लोग गए थे ना विजिटर सेंटर में, तो वहाँ पे एक भाई साहब थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि वो पत्थर किस तरीके से सरकते थे। तो ये जो आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हो ना, इस तरीके का फ्लैट एरिया है उस रोड के ऊपर। तो ये डेथ वैली है ना, जितना गर्म है ना रात को उतना ही ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे ना बर्फ जम जाती है। और साइंटिस्टों का कहना है कि बर्फ के कारण है ना ये एरिया बहुत स्लिपरी हो जाता है, और यहाँ पे ना बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पत्थर है ना उन हवाओं से हिलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने टाइम लैप्स लिया था, जिससे उनको पता चला कि ये जो पत्थर वगैरह है ये हवा के कारण खिसक रहे हैं धीरे धीरे। ये तो वैज्ञानिक बोलते हैं कहना है, बट ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना आसपास इस एरिया के अंदर, उनका कहना है कि ये ना इस तरीके से हवा से पत्थर हिल ही नहीं सकता है, इतना बड़ा पत्थर, ये या तो कोई भूत प्रेत का काम है या फिर ये एलियंस का काम है। क्योंकि इधर ही पास में है ना एरिया 51 है, यहाँ से हमें जाना है कल एरिया 51, 2 घंटे की ड्राइव है, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पे एलियंस आते हैं और वो कुछ इस तरीके से हरकत करते हैं कि इतना बड़ा पत्थर खुद हिलना तो इम्पॉसिबल। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो के है बैड वाटर बेसिन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ना गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ पे देखो ये जो सफेद सफेद सा जितना भी पड़ा हुआ है ना, ये सब सॉल्ट है। उसका रीज़न ये है कि लोग है ना यहाँ पे जाके वॉक कर रहे हैं, और यहाँ पे सारा ही सॉल्ट है, मतलब सारा नमक ही नमक है जो आप देख रहे हो ना हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद। आज तो बारिश हो रखी है, वहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ये जैसे है ना सी लेवल पे बना हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा मैप दिया हुआ है अर्थ लोवेस्ट का। तो यहाँ पे आया हुआ है बैड वाटर बेसिन डेथ वैली कैलिफोर्निया -282 फीट। कितना गर्म जो टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, हाउ हॉट इज द डेथ वैली। तो अगर जैसे जुलाई के टाइम में आओगे ना तो नॉर्मल 46 तो रहता ही है, बट जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 57। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा इसका रिकॉर्ड। यहाँ पे ना आने के लिए बेस्ट है, जैसे मैं अभी अपनी कैंपर लेके आया हूँ ना, देखो वहाँ पे कितनी सारी कैंपर खड़ी हुई है, सामने भी कैंपर है, वो भी बंदे का कैंपर है। तो ज़्यादातर लोग है ना अपने कैंपर में आते हैं। कैंपर में आने का बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मेरे को लगते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अपना टाइम पे आप वो खाना खा सकते हो जो अपना घर पे बनाते हो, जैसे मेरे इधर में सब कुछ किचन वगैरह है। और दूसरी चीज़ ये है कि रात की टेंशन नहीं होती यार कि होटल बुक करना है। होटल की ना मुझे 2-3 चीज़ें बेकार लगती हैं। सबसे पहले तो होटल ढूंढो यार, फिर वहाँ तक ड्राइव करके जाओ। दूसरा कि फिर होटल में ना सामान अपना ऊपर चढ़ाओ, सिर्फ रात रात को सोना होता है, फिर सुबह सुबह वो सारा सामान को पैक करके वापस लेके आओ। इसी में ही है ना कम से कम, नहीं तो 3-4 घंटे इसी में ही निकल जाते हैं लोगों के। होटल ढूंढो, वहाँ जाओ, पैकिंग करो। ये तो जैसे मुझे अपनी कैंपर वैन बहुत सही लगती है कि जहाँ पे भी मन किया सो गए, सारा सामान सेट है, तो काफ़ी टाइम बच जाता है ट्रैवलिंग के लिए, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी ट्रैवल कर लेते हैं। अब देखो ये हम लोग आ गए हैं सॉल्ट वाले लोकेशन पे। तो ये देख लो ये सारा पानी है, जैसे ये सूखेगा पानी तो इस तरीके से सॉल्ट बन जाएगा। ये ना मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे आने का, लास्ट टाइम आया था तो पानी नहीं था, सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट था सब जगह पे। अगर आप लोगों को वो देखना है ना सॉल्ट वाला, किस तरीके से यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है पूरा क्रिस्टल लगता है दूर से, वो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो जो मैं 3 साल पहले आया था मिस्टर डेरिक के साथ। तो ये देख लो ये सारा सॉल्ट है इस तरफ में, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आप लोग इस सॉल्ट को अपने साथ लेके जाएंगे ना तो आपके ऊपर एक जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। तो ये सॉल्ट को है ना आप लोग यहाँ से ले जा नहीं सकते हो। तो अभी जहाँ पे भी बॉडी के ऊपर धूप पड़ रही है ना, तो जैसे हाथों वगैरह पे, गर्दन पे, तो पूरा जल रहा है, इस तरीके की यहाँ पे धूप है एकदम क्लियर। भाई ये देखो मैंने इतना साफ कर लिया, फिर भी ये चप्पलों से नमक हट ही नहीं रहा है, बिल्कुल अंदर घुस गया है। अब गाड़ी में नहीं लेके जाना चाहते, नहीं तो पूरी गाड़ी है वो हो जाएगी। ये देखो जितने लोग भी आ रहे हैं ना ऐसे बेचारे झाड़ते हुए आ रहे हैं। भाई गाड़ी में सबसे पहले आते ही है ना एसी ऑन किया है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई दिमाग में चढ़ गई है, सच बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे यार लोग जो गर्मी के टाइम आते होंगे उन लोगों का क्या हाल होता होगा। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप लोगों को है ना ड्राइव करके व्यू दिखाएंगे कि ये जो एरिया ना एक्चुअल में कैसा लगता है। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं वेगेस के पास में, और यहाँ पे हम लोग आए हैं पांडा एक्सप्रेस पे खाने के लिए। तो यहाँ पे आ गया खाना, इसमें 3 तरीके की अलग अलग तरीके की, जैसे हम लोग सब्जी बना लेते हैं ना तो वो बोल लो, ये ऑरेंज चिकन है, और ये कुंफू पांडा चिकन है, और ये वाला है सिस्मी चिकन,
और यहाँ पे हाफ हाफ करा दिया है राइस और नूडल्स। तो भाई अभी हमारा खाना खत्म हो गया, खाना बहुत जबरदस्त था। तो यहाँ पे ना एक फॉर्च्यून कुकी देते हैं, इसके अंदर है ना कुछ ऐसा लिखा होता है जो आपके, हाँ इसको खा भी सकते हैं, इसमें कागज है अंदर वो मत खा जाना भाई, इसमें फॉर्च्यून लिखा हुआ है आपका, आपका फॉर्च्यून है आप ही पढ़ लो। तो भाई का फॉर्च्यून है, क्या लिखा है इस पे। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे एंड, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।